और अंकल। हाँ बोलो भैया, कैसे है बादाम? क्या बेच रहे हैं? मूंगफली चना। मूंगफली चना? हाँ। मूंगफली कैसे? बोई दस की 50। 50 ग्राम देना? 50 ग्राम चना 100 ग्राम जी। मूंगफली देना है? मूंगफली देना। मूंगफली डेली इधर ही बेचते हो क्या? हाँ भाई, इधर से जाते जाते कलारी से पहुँच जाते हैं। तेज में काम कर रहे हो अंकल है? तेज में काम कर रहे हो? क्या करें भैया, जब लड़का अपना है ना खत्म होगा। अपना लड़का खत्म हो गया? हाँ। ओ, तो आप अकेले घर चलाते हो? अकेले घर, तीन लड़कियां हैं। तीन लड़कियां हैं और बहू? बहू सबका आप ही देखते हो? और डुकरिया, डुकरिया पागल हो गए लड़का की मरी तो मेरी उम्र को है। तो कितने उम्र हो गए आपकी? 76। 76 साल के बाप? और कितने इतने साल में काम कर रहे हो? अब बताओ भाई साहब, भीख मांगने तो आ भीख मांगो तो कहाँ कहाँ फिर। हाँ, भीख मांगने से अच्छा है ना। हाँ, भीख नहीं मांगते वही तो इससे अच्छा है ना अंकल, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। डेली से कितने पैसे हो जाते होंगे? 200-500 सौ रुपये बच जाते हैं डेली का? 100 रुपये बच जाते हैं और 100 रुपये मिल जाते। रहते कहाँ आप? पठार। इधर कॉलेज साइड बेचते हो? हाँ कॉलेज। डेली कहाँ लगाते हो ठेला? डेली घर से निकलते सीधे आना नगर में हो जाके कलारी पहुँच जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे लगाते हो? हाँ, वहाँ पे बिक जाता होगा। इस साइड रहते हो आप? कॉलेज के साइड? कॉलेज साइड में। इसको और मैं कम कर देता हूँ अंकल, आप और बेच लेना। इतने एज में आप काम कर रहे हो, अच्छा लगा मुझे देख के। यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कुछ अंकल से ले लूँ क्या। तो कितने साल से काम कर रहे हो अंकल आप? पहले हम मशीन चलाते यार ये छत वाली। अच्छा, 25 साल मशीन चलाई छत लेंटर वाली। आप अकेले ही पूरा घर देख रहे हो? हाँ, तो वो सेंटिंग को कारीगर है तो। हाँ, वो खत्म हो गया हार्ट अटैक। अच्छा अच्छा, अब बच्चे तो पालने भैया क्या करने को सारी। इसकी भी बच्ची तीन लड़कियों पड़ा थी। अच्छा, आपकी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं? और लड़का की लड़की हैं। अच्छा अच्छा, एक लड़की दीदी साहब भी आई है। अच्छा, एक लड़का एक लड़की। आप इधर जो दारू की भट्टी वहाँ पे लगाते हो ना ठेला? हाँ। चलो फिर मैं आता हूँ, मैं गुजर रहा था, मैं देखा अंकल इतने उम्र में काम कर रहे हैं, मैं कुछ ले लूँ अंकल से। ये अंकल आपका 10 और ये मेरे तरफ रखो आप। अरे अरे रखो मेरे तरफ। चना नहीं 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 ठीक है, रखो मेरे तरफ, मैं फिर आऊँगा। ठीक है, मेरे तरफ रखो, फिर आऊँगा मैं। आप तो भाव यार फ्री का मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे मतलब दादा समान हो। क्या करें यार, बेटा समझ लीजिए तो बेटा है तो बाहर भी पढ़ो लिखो। छाती पिरानी सेंटिंग को काम करे तो सरकारी मंगलों को ठीक कर ली। तो एक ही बेटा था? एक ही बेटा, तीन मौनी है और बहू। तो डुकर गया, डुकर गया तो पागल हो गई। फिर अरे मेरे बेटा ही मुझे बहू पागल हो गई। मैं डुकर गया। अच्छा अच्छा, डेली आप कितने बजे आते हो दुकान खोलने? बजे 2 बजे से घर से चलते हैं तो मेरे जाते हैं मंडी। अब जैसे आज सामान ले आए, कल नहीं ले आएंगे, 2 दिन घूमोगे मंडी को जाओ, 40 किराव लग जाते। अब हर दिन मंडी जाते हैं, एक दिन ले आए 2 दिन बेच ला फिर चले जाए, 100-150 रुपया मिल जाते हैं। 100-150 डेली का प्रॉफिट हो जाता है? 100-150। दिन भर काम करना पड़ता हो, दिन भर रहते हो गए? दिन भर क्यों ही, तो मंडी से अब आए नहा रोटी खाए और ठेला निकालो जो चले, शाम के 9 बजे रात को घर पहुँचे। 9 बजे रात को, मतलब 9 बजे तक आप रहते हो, मतलब 7-8 घंटे का काम करते हो और 100 रुपये बचते हैं ना। क्या करें, डेली मिल जाओ ना आनंद नगर पे जहाँ आप लगाते हो ठेला। मैं फिर आता हूँ टाइम निकाल के आपको मिलता हूँ। वहीं डॉक्टर जितना होगा मैं आपके लिए करता हूँ। डॉक्टर वही डॉक्टर ही है, वही डॉक्टर के सामने ऐसे कोई कह देगा यहाँ लगा लो दादा। ठीक है, मैं आता हूँ अंकल। अच्छा लगा आपको देख कर, इस समय काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हिम्मत नहीं आ रहा अंकल, हम लोग हैं आपके साथ है। ठीक है अंकल। हाँ ठीक है, ठीक है, जय श्री राम।
हेलो भैया, आज मैं जिस अंकल से मिला उनसे मैं बात जब किया तो अंकल ने बताया कि उनके जो घर में उनके जो बेटे हैं उनके डेथ हो गए, उसके बाद घर के खर्च के लिए अंकल ही काम करते हैं। वो डेली बेस पे 6-7 घंटे काम करते हैं, देन उसके बाद उन्हें 100 से 150 प्रॉफिट डेली बेस में बच जाता है जिससे उनका घर का खर्च चलता है। अंकल ने एक बात मुझे बोला कि उन्हें भीख मांगने से अच्छा काम करके पैसे कमाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि अंकल 76 ईयर ओल्ड में भी काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आप लोग जितना ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनके लिए जितना कुछ कर सकते हो करो। मैं आगे अंकल के लिए कुछ सरप्राइज रखने वाला हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसे लोगों के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ, आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आप लोग जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो करो। अपना ध्यान रखो, धन्यवाद।